हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो आज हम सीखने वाले हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आपको लगेगा तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आईआईटी एग्जाम नेट और गेट तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। अगर आपको इजी लग रही है तो सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर लो, अगर हो जाते तो वेरी गुड, वीडियो बंद करो कुछ और पढ़ लो। अगर आपको इनसे कोई भी नहीं आता तो आपको वेट करना पड़ेगा, इस वीडियो में सारे हम सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होती क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पिनाकोल क्या होता है। पिनाकोल होता है वन टू डायोल सिस्टम, मतलब ये कि एडजेसेंट कार्बन पर दो ओएच अगर लगे हो तो क्या बोलेंगे, वन टू डायोल। ठीक है, तो ऐसा वाला सिस्टम हमें चाहिए होता है रिएक्शन के लिए। अब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी और हमें क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, वन टू डायोल से हमें मिलेगा कीटोन, तो ये कैसी रिएक्शन होती है। अभी क्या है, इसमें आपको देखिए कुछ वेरिएशन है यहाँ पर, वो हम डिस्कस करेंगे। उनको बोलते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, उसमें बाद में जाएंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो हम हमेशा से पढ़ते हैं वो क्या होता है, ये यहां पर लगाते हैं CH3। ऐसा एग्जांपल आपको ऑलमोस्ट हर बुक में देखने को मिलेगा, ये और ये OH, यहां लिखा होता है H2SO4, मतलब कोई भी एसिड। ठीक है, इस रिएक्शन में आगे प्रोसीड करवाना है। तो सबसे पहली बात आपको पता है, जो भी एसिड गिवन है उससे क्या मिलने वाला है हमें, H+ आएगी। अभी मैंने लास्ट वाली रिएक्शन जो अपलोड करी थी जिसमें हमने देखा था डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, उसमें भी यही वाली बात कही थी मैंने आपको कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर्स है, अटैक करेगा इस पर, ये तो हमें पता है। क्वेश्चन ये आता है, हमारे पास दो OH अवेलेबल है, कौन से वाले पर अटैक करेगा, वो क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ एक बार क्या हुआ था। हम ना जब MSc में थी, शायद फर्स्ट सेमेस्टर था मेबी, तो वहां पे ना हमारी ये वाली मतलब एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे सर, तो इसमें वही था, ये वाली रिएक्शन थी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो सर ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन देते टाइम मतलब इंस्ट्रक्शन जब दे रहे थे, तो सर ने ये वाला लिखा बोर्ड पे, लिखा ये वाला एग्जाम्पल, और सर ने बोला कि जो H+ है वो कहां पर प्रोटोनेट करेगा, मिथाइल वाले पे या फिनाइल वाले पे। तो मैंने बहुत आगे खड़ी हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में ही खड़ी थी, उनको सर जैसे यहाँ पे सर है तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैंने फटाक से बोल दिया मिथाइल वाले को प्रोटोनेट करेगा। अभी क्या हुआ, उसके बाद ना बाकी सब ने, जैसे स्टार्टिंग का ही टाइम था, बिल्कुल बच्चे आए रहे थे, तब तक मैंने बोला मिथाइल को प्रोटोनेट करेगा। अच्छा, सर ना वहीं पर रुक गए। उसके बाद क्या हुआ, बाकी क्लास से पूछा तो सबने बोला कि इस पे फिनाइल वाले पे प्रोटोनेट करेगा, अच्छा फिनाइल लगा इस कार्बन पे। अभी क्या हुआ, मेजोरिटी चली गई यहाँ पर, और सर मिथाइल के लिए सिर्फ मैं बच गई थी, ऐसा हो गया था। तो सर ने फिर बोला कि ठीक है, आंसर तो आपको पता है क्या होने वाला है, मुझसे कहते जो दे आपको आंसर चेंज करना है, तो मैं ऑब्वियसली करना चाहती थी, बट मैं नहीं, मैं ऐसे बोल सकता ना कि मुझे चेंज करना है, तो मैं कहा नहीं सर मुझे चेंज नहीं करना। तो सर ने बोला कि अच्छा ठीक है, रीजन बताओ क्या हुआ। तो मैंने सर को रीजन ये बोला कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करवाएंगे, और यहां से ये निकलेगा, यहां से इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा, जब ये फिनाइल माइग्रेट करके यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे जो कार्बोग्राइन है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। मतलब मैं बोलना ही चाह रही थी कि स्टार्टिंग में कार्बोग्राइन इसलिए यहाँ पे बना है क्योंकि जब ये माइग्रेट करने के बाद ज्यादा अच्छा वाला पॉजिटिव जो है फिनाइल के साथ मिल जाएगा, हमें कार्बोग्राइन स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। उस दिन सर ने एक बात बोली थी, मेरे को ना एकदम दिमाग में बैठ गई वो बात, कि जो केमिस्ट्री ना बहुत लॉजिकल है, लॉजिकल का मतलब ये कि हर चीज जो भी होती है उसका कोई ना कोई रीजन होता है, बिना रीजन के कोई भी चीज नहीं होती है। आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि कोई भी चीज अटैक एक पोजीशन पे इसलिए करे कि माइग्रेशन होने के बाद कुछ ज्यादा स्टेबल वाला हमें बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अटैक वहीं पर होगा जहां पे फर्स्ट स्टेप में ही कोई जो इंटरमीडिएट बनना है वो स्टेबल बनना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये देखना होता है कि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल कहां पर बनेगा। इसी वजह से अगर मैं इसको वापस लिखती हूँ यहां पर, तो हम ये नहीं देखेंगे माइग्रेशन के बाद कौन स्टेबल बन रहा है, देखेंगे फर्स्ट स्टेप में स्टेबल कौन सा है, तब यहां पर अटैक होगा। अभी क्या है कि OH H+ जो है वो यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है, जैसे जैसे वाटर एलिमिनेट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर इधर pH, इधर pH, और ये आया पॉजिटिव चार्ज यहां पर। तो हमारे पास दो केसेस हैं, एक वो वाला केस जब यहां से हम प्रोटोनेट करवाएं, वाटर को यहां से निकालें, और ये वाला कार्बोकैटायन हमारे पास बने। ठीक है, तो इन दोनों कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला, दो फिनाइल रिंग लगी हुई है, कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा होगी, है ना, इसकी वजह से क्या ज्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों में से ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यही वाला बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अटैक वहीं पर होता है, लिविंग ग्रुप वहां से निकलता है जहां पे हमें जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो स्टेबल हो। आपको पता है कार्बोग्राइन वैसे ही स्टेबल नहीं होता है, तो हमेशा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को ही देखेगा, हमेशा टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ऐसे ही देखते हैं हम, और इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा, जिसमें कॉन्जुगेशन आ जाए फिनाइल रिंग के साथ, बेंजाइलिक पोजिशन वाला।
ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये हमारा बनता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे होगी, जो सात वाले कार्बन पे, उसके बाद ना ये फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, ये वाला बन गया। उसके बाद क्या है, यहां से हम देख सकते हैं कि जो ये कार्बोकैटायन है स्टेबल तो है, लेकिन अगर ये कार्बोकैटायन इस वाली पोजीशन पे आ जाए तो और ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों, जैसे इस वाली पोजीशन पे आएगा आप तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उसको स्टेबिलाईज करने के लिए, इस वजह से क्या होता है यहां से ग्रुप माइग्रेट करता है। अब माइग्रेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था वही रहता है, एच देन पीएच देन आर, और आर में टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है, ये वाला रहता है ऑर्डर। तो यहाँ पे दोनों सेम है सी एच थ्री, तो एक को माइग्रेट करवा दो। माइग्रेट करवाने का मतलब क्या है, बुक्स में हमें ऐसे देखने को मिलता है इस तरह से, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है समझ सकते हो कि इसको ऐसे ब्रेक करवाने, हम इधर जा रहे हैं नेगेटिव, इस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना रहे हैं, तो हमें मिलेगा इधर पीएच, यहाँ पर सी एच थ्री, और यहाँ पे एक ही सी एच थ्री, एक ओएच और ये पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं और यहाँ पे अटैक, ऐसे इस पे प्लस, और यहां से ये लास्ट में निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें कीटोन, इस प्लस को निकाल दो, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें ना मैकेनिज्म डिफिकल्ट है, ये हम सबने बीएससी में पढ़ा होता है, ये वाली रिएक्शन आईडी जैसे इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपने ये वाला पढ़ा होता है ऑलमोस्ट, मतलब हल्का सा आइडिया तो पक्का होगा, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना नहीं, एच प्लस स्टार्टिंग में कहां पर प्रोटोनेट करेगा, कहां से वाटर को निकालेगा, तो ये हमारा मैकेनिज्म है, इतना समझ में आ गया। सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो माइग्रेटरी एक्टिविटी है वो ये होता है, और प्रोटोनेट किस पे करेगा, जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट होता होगा। समझ आ गया, अभी करते हैं क्वेश्चन अपने, ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखो प्रोटोनेशन कहां पर होगी, जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा कार्बोकैटायन वहां पर प्रोटोनेशन होगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर हमारे पास जो कार्बन उस पर लगा हुआ है इथाइल सीओईटी, एक साइड लगाया है फिनाइल, यहां पर है ओएच, एक साइड है सीएच2ओएच, ठीक है। प्रोटोनेशन कहां पर होगी देखो, अगर मैं इसको प्रोटोनेट करती हूँ तो क्या मिलेगा हमें, इसको हटा दो और सी एच टू में प्लस लगाओ, जिस कार्बन में प्लस आएगा वो सिर्फ एक ही कार्बन से हटाए तो क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जबकि यहां पर अगर हम प्रोटोनेट करवा के निकालें इसको यहां से, तो इस वाले कार्बन पे अगर लगे तो क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन है। टर्शरी तो ठीक है, लेकिन एक और कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, कैसे बनेगा ये मान लो ऐसे करके, यहाँ पर पीएच और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर बनेगा। अभी आपको दिख रहा है कि इसकी वजह से तो क्या है ये स्टेबलाइज हो रहा है और टर्शरी कार्बोकैटायन भी है, लेकिन ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। रीजन क्या है, इधर जाएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, आप इसमें रिपेल करें तो क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज उसको कर रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाएं या फिर यहाँ पर करवाएं, आपको ध्यान रखना है ये तो प्राइमरी है, यहाँ पे टर्शरी है, एटलीस्ट एक ग्रुप तो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे होगी प्रोटोनेशन और हमें ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों एच को ऐसे दिखा दो, अब क्या करेगा, सिर्फ एच ही हमारे पास माइग्रेट करवाने के लिए, तो एच को माइग्रेट करवाओ यहाँ पर, है ना। तो फिर हमें क्या मिलेगा, पीएच कार्बन पे लगा हुआ है सीओओईटी, एक एच यहाँ पर आ गया और इस वाली कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, एक लगा हुआ है ओएच। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये लोन पेयर अपने देगा यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, ये प्लस चार्ज इस पे आएगा और लास्ट में एच प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब इसे थोड़ी सी वेरिएशन करती हूँ मैं, वेरिएशन ये है, यहाँ पर तो सेम लगा हुआ है सीओओईटी ओएच, और यहाँ पर हमने लगा दिया लेट्स से सीएच थ्री ओएच। अब बताओ किसकी होगी प्रोटोनेशन, आप कैसे देखेंगे कि अगर ये यहां से निकलता है तो ये वाला कार्बोकैटायन क्या बनेगा, ये कार्बन हमारी 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, और इसको निकालते हैं वो भी टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, मतलब स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यहाँ पर क्या है, फिनाइल की कॉन्जुकेशन जो है वो स्टेबिलिटी का रीजन है, जबकि यहाँ पर क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट और साथ में हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट,
है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है, यहाँ पे सिर्फ फिनाइल तो उसको स्टेबिलाइज कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, डिस्टेबिलाईज कर रहा है। तो इस वाले केस में यहाँ पे ये वाला ज्यादा फेवरेबल होने की वजह से यहाँ पे देखो सिर्फ एच थे, वो ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाते, इसलिए फिनाइल डोमिनेट कर रहे। लेकिन इस बार क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या होगा, इस बार यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, यहाँ से पॉजिटिव आएगा ऐसे करके, नेक्स्ट में क्या होगा, फिनाइल माइग्रेट करेगा यहाँ पर जाएगा फिनाइल, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही इसमें पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा, ये COOET, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा, आपका फाइनल CH3 और ये PH। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जब भी आपको रिंग्स दिखती है ना, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट और रिंग गिवन है आपको, तो मैक्सिमम केसेस में रिंग ओपनिंग होती है, मतलब रिंग एक्सपेंशन होता है। करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें गिवन है दो 5-membered रिंग, OH और ये OH, ठीक है, H प्लस ही है, तो दोनों में से जिसको मर्जी प्रोटोनेट करवाओ, एनवायरमेंट तो सेम ही है ना, इसको करवा लेते हैं, क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट में इसको निकाल देते हैं यहां से, इसको अगर निकाल तलब कर देते हैं यहां से इसको, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, इधर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव तो बन गया। अभी क्या करना है हमें, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि वाला कार्बोकेटायन स्टेबल तो है, टर्शियरी तो है, लेकिन अगर मैं इसको यहां पर ले आऊं तो ये ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो इसको स्टेबिलाईज करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इस रिंग को यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इस बोन को ब्रेक कर देते हैं ऐसे करके, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, बोन बना लेंगे। तो आप देखो इसको ऐसे करके, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इसका बोन बनना है इसके साथ, तो 6-membered रिंग बन जाएगी, है ना, बना दो 6-membered रिंग, ऐसे करके हमने ये 6-membered रिंग बना दी, और यहां पे लगाव मान लेते हैं, ऐसे करके 5-membered रिंग, ऐसे। अब इसे आप कंबाइन किया है, तो यहां पे अगर कंबाइन हो तो नेक्स्ट पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके लोन पेयर्स यहां पर आएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, H प्लस निकल जाएगा, तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैम में, वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है तो गेट में भी आया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये है, ठीक है, दोनों सेम से ही है, किसी को प्रोटोनेट करवा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको करवाया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहां से ही निकलेगा, यहां पर आएगा कार्बोकेटायन पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर है OH, क्या करें, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कार्बोकेटायन जैसे ही बना है आपको इसको प्लस को ना यहां तक पहुंचाना है कैसे भी करके, तो कैसे करेंगे, यहां पर पॉजिटिव आएगा क्या करें इसको, इससे लिए क्या होगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम, ब्रेक कैसे करेंगे, यहां पे पॉजिटिव आए, यहां पे नेगेटिव आए, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक करने से क्या होगा, ये तो यहां पे ब्रेक हुआ, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, इधर जो नेगेटिव आया है ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहां पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज जो लगा हुआ है OH, और यहां पर कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, 5-membered रिंग, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, बोन बना दो। अभी आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट पेपर में क्या होता है, कभी कभी नहीं आता माइंड में ये सब, और फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। अभी ये तो सारे थे क्या, सिंपल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अभी ना एक होता है सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म तो सेम रहता है सेमी में, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों OH ग्रुप नहीं होंगे, एक OH होगा लेकिन उसके साथ में क्या होगा, NH2 हो सकता है, ठीक है, और आपको कोई हेलोजन हो सकता है कोई भी, इस तरह से हम देखते हैं, या फिर OTS हो सकता है,
मतलब कोई ना लिविंग ग्रुप होगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखो ध्यान से मैकेनिज्म को, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो ओएच ग्रुप होते हैं, उनमें से हम एक को क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं लिविंग ग्रुप में, मतलब दोनों में से किसी एक को अच्छा लिविंग ग्रुप बना के बाहर निकाल देते हैं सिस्टम से। तो आपको वही करना है, सेमी वाले केस में क्या होता है, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा वो बाहर निकलेगा, सिर्फ इतना सा काम करना है। अभी आपको पता है ओएच माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा ऑर्गेनिक में ओएच माइनस को आराम से निकलते हुए, कि ओएच माइनस को निकाल के पीछे से कुछ लगा दिया, और ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। इसको अच्छा ग्रुप बनाने के क्या करते हैं, इसको प्रोटोनेट करवाते हैं, ठीक है, फिर निकाल देते हैं। ऐसे ही जैसे ओएच को निकालने का मेथड होता है प्रोटोनेट करवा के निकाल दो, ऐसे जो हमारे हैलोजन होते हैं, जैसे मान लो सीएल है, इसको निकालने के लिए इससे खुद से भी निकल जाता है कभी कभी, तो बट एस एन टू रिएक्शन जैसे होती है उसमें क्या करते हैं, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करते हैं, एजी प्लस डाल देते हैं। एजी प्लस क्या करता है, ये इसके पास है लोन पेयर, इसको देगा सीएल एजी और यहां आएगा प्लस। तो जैसे ही इससे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, अब उसके ऊपर चार्ज आ गया, उसको चार्ज न्यूट्रलाइज करना होता है, तो वो ऐसे करके आराम से निकलेगा। पहले सीएल माइनस इतना आराम से नहीं निकलता, लेकिन जितना मतलब यहां से क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है वो, अभी अच्छा ग्रुप है फिर बहुत अच्छा बन जाएगा ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रुप को निकालने के कुछ तरीके होते हैं हमारे पास। तो क्या कह रहे हैं, सेमी वाला है उस केस में मैकेनिज्म विल रिमेन सेम, बस ऐसा होगा साइड में कुछ ऐसा ग्रुप होगा जो किसने किसी तरह से कन्वर्ट होकर अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा होगा, वो निकल जाएगा, मैकेनिज्म एकदम सेम रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट जो लास्ट आपको थ्री क्वेश्चन में मिलते हैं वहां पर, उनमें देखते हैं ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे है तो यहां पे कुछ बड़ा सा ग्रुप है उसको आर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे लगा हुआ है ओएच और यहां पे लगा हुआ है आयोडीन, यहां सामने लिखा है एजी प्लस। तो देखो वही वाली बात है, यह है हमारा हैलोजन, ठीक है, इसके पास क्या है, आपको ध्यान रखना होता है एजी प्लस जो होता है वो एजी प्लस कन्वर्ट कर देता है आयोडीन को, या फिर मतलब किसी भी हैलोजन को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने में काम करता है। तो जैसे आपको दिखे एजी प्लस, तो समझो कहीं ना कहीं हैलोजन आपको दिखेगा, मैक्सिमम केस में आपको देखने को मिलता है। अभी क्या होगा, ये एजी प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसे पॉजिटिव साइन आएगा और ये निकलेगा यहां से, ठीक है। तो जैसे ये निकलेगा क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा यहाँ पे CH2 है, तो CH2 में मिलेगा हमें पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे यह है ये OH है, ठीक है। सिर्फ ये एक ऐसा स्टेप था जो हमारा पिनाकोन में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दो OH होते हैं, एक वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर के फॉर्म में नहीं गया बट गया तो है ना, अभी क्या है ये बिल्कुल अपना हो गया है पिनाकोल जैसा। क्या करेंगे, जो ये कार्बोकेटाइन बना है इसको कैसे ना कैसे करके इस पोजिशन में लेके आओ, ताकि आपकी जो OH है यहाँ के जो लोन पेयर है उसको स्टेबिलाईज करें। कैसे करेंगे, अब ना दो पॉसिबिलिटी है, दो कौन सी, या तो इस वाले बॉन्ड को हमें पॉजिटिव यहां चाहिए, तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो, या फिर इसको ऐसे ब्रेक कर दो, इन दोनों में से कौन सा वाला बॉन्ड जो है वो माइग्रेट करेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करते हैं इस बेसिस पे कि जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये क्या है, ब्रिजिंग पोजिशन से अटैच्ड है, ब्रिजिंग पोजिशन से अटैच्ड है, तो क्या करें सिस्टम के जो रिजिडनेस है उसको क्या करें डिक्रीज करे, तो ये वाला क्या करता है, कभी माइग्रेट नहीं करेगा। जो भी बॉन्ड आपके ब्रिजिंग पोजिशन से मतलब इन्वॉल्व होते हैं उसके बॉन्डिंग में, तो उसको माइग्रेट नहीं करवाते हैं, दूसरे वाला माइग्रेट दूसरे वाला थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो जल्दी मूव कर जाता है। इसी वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाओ ऐसे करके, इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको स्टेबिलाईज कर देगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग है। अभी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेक्स्ट टाइम क्या होना है, नेगेटिव और पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाना है, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बननी है। तो फिलहाल के लिए इसको कैसे बनाएं, ऐसे ही दिखा दो ऐसे, ठीक है, हमने दिखा दिया इसको ऐसे करके और ये आर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पोजीशन पर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH, उसको फिर से उसी तरह से स्टेबिलाईज करके H को निकाल देगा, तो हमें मिलेगा ये कीटोन, ठीक है, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसको हम इस तरह से दिखाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, 1, 2, 3 ऐसे, ये आर, इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे ये आपको ऑप्शन में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। बात तो वही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग है,
तो ये इक्वलेंट है, ऐसा भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ऐसा मिल जाए तो कैसे भी, मतलब समझ आ गया इस तरह से करना है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, कार्बन कार्बन फिनाइल फिनाइल, इस पे लगा हुआ है OH ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ है NH2 ग्रुप। अभी क्या है, सिर्फ OH नहीं है, उसके साथ में लगाया है NH2 ग्रुप, क्या डाला हुआ है, HNO2। HNO2 कहां से आता है, NaNaNO2 प्लस HCl, है ना, यहां से भी मिलके बनता है HNO2। क्या करता है ये, जो NH2 है उसको कन्वर्ट कर देता है हमारा N2 प्लस में, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट जो बनता है उसको N2 प्लस, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट जो बनता है उसमें यही वाली रिएक्शन होती है, तो ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा इसको, तो हमें क्या मिलेगा, इधर OH। देखो काम अभी भी वही हो रहा है, जो साथ वाला एक जो पहले OH था उसको हम कन्वर्ट करते थे वॉटर में, वो निकल जाता था, क्या कर रहे हैं इसको हम अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी करके जो साइड में ग्रुप है ना उसमें प्लस चार्ज लिया होता कि वो आराम से निकल जाए, इतना काम करना होता आपको सेमी पिनाकल पिनाकल रीअरेंजमेंट में, तो क्या होगा यहां से निकलेगा ये, ठीक है, जैसे निकलेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर, है ना, नाइट्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को माइग्रेट करवा दो यहां पर, इधर पॉजिटिव आएगा ये स्टेबिलाईज करेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ये पीएच सीएच थ्री और ये एच, ठीक है। अच्छा अगर यहां पे ये होता एच, मान लो यहाँ पे एच है, वैसे तो ये वाला ठीक है प्रोडक्ट, लेकिन अगर ये एच होता तो क्या माइग्रेट करता, एच माइग्रेट करता है फिनाइल माइग्रेट करता, तो आपको ध्यान रखना होता है एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज ग्रेटर देन पीएच, तो एच माइग्रेट करता उस केस में भी, तो हमें क्या मिलता, यहाँ पे मिलता एच और ये मिलता आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अभी करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको मैं दो चीजें सिखाऊंगी, एक बार ट्राई करो लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से, सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ऐसे है, ठीक है, दोनों में से कौन सा OH प्रोटोनेट होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल, क्या है, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट में, ये कैसे देखेंगे, जो भी वो वाला OH प्रोटोनेट होगी वॉटर की फॉर्म में निकलेगा जो हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, तो अगर मैं यहां पे लगाती हूं तो क्या होगा, अगर यहां पे कार्बोकैटायन बनता है तो क्या है, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन टर्शियरी वाला होगा, ठीक है, अगर यहां पे बनता है तो क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसीलिए ये वाला OH निकलेगा, है ना, इसको निकाल दो और हमें मिलेगा इधर पॉजिटिव OH CH2 ने स्क्वायर से दिखाते हैं। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इस पॉजिटिव को कहां लेकर आना है, यहां इस वाली पोजीशन, तो एक H को निकाल के यहां भेज दो, एक H यहां पर आ गया और यहां पर मिला है हमें एक कार्बोकैटायन, ऐसे एक H यहां अभी बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये यहाँ पे इसको देगा हमें मिलेगा एक एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, इस वाले केस में क्या है, ये वाला आपका प्रोडक्ट है। अब अगर मैं चाहती हूं, मान लो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अभी ना ये दूसरी चीज है वो ये, अब ना मैं ये चाहती हूं कि हमारा क्या है, इस वाले केस में अगर हम ऐसे डालते हैं तो क्या हो रहा है, ये वाला OH ग्रुप हमारा निकल रहा है, ठीक है। मैं चाहती हूं आप कुछ भी करो, इस वाले OH को निकालो, अगर हमें ऐसे करवा रहे हैं कि ये वाला OH ग्रुप निकलना चाहिए तो क्या करेंगे, उसके लिए एक और अच्छा सा मेथड होता है, वो देखते हैं। हमने क्या किया, यहां पे हम ऐड करते हैं टोसाइल क्लोराइड और साथ में पीरीडी, साथ में ऐड करेंगे पीरीडी, ठीक है। अब तो क्या होगा, देखो अगर हम बात करते हैं, हमने बेस ऐड करा है तो क्या होता है, प्राइमरी वाला OH का H निकलेगा या फिर सेकेंडरी वाले OH का या टर्शियरी वाले का, कैसे देखते हैं, देखो
एक ये वाला OH है, ठीक है, ये है प्राइमरी अल्कोहल। एक ये वाला है सेकेंडरी अल्कोहल, और एक और लेते हैं, सॉरी ये क्या है, बिल्कुल ही तो जीरो डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच, यहाँ पे एक भी कार्बन से अटैच नहीं है। अब लेते हैं एक सेकेंडरी अल्कोहल और एक लेते हैं टर्शियरी। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, कौन सा वाला कैसे देखेंगे हम? तो आप ऐसे देख सकते हो इसको कि अगर हम बात करते हैं टर्शियरी वाले अल्कोहल की, तो क्या होगा यहाँ पे, ये प्लस आई दिखाते हैं, मतलब प्लस आई भी दिखाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी दिखाते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस वाले कार्बन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी उसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको और देगा। अगर ऑक्सीजन के पास और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो क्या करेगा, ये इसको आराम से पकड़ के रखेगा, इस H को पकड़ के रखेगा, H प्लस की फॉर्म में नहीं निकलने देगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो इस वाले केस में अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं अगर हम, तो इस वाले कार्बन को अगर कंपेयर करोगे टर्शियरी वाले कार्बन से, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं जबकि इसके पास नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसको भी ज्यादा डोनेट कर पाएगा। अगर ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो H प्लस को जाने ही नहीं देगा, है ना। इसलिए क्या होगा, अगर हम एसिडिटी की बात करें तो टर्शियरी वाला लीस्ट एसिडिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लास्ट में जीरो डिग्री, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो ये वाला एल्कोहल क्या है, टर्शियरी, और ये है प्राइमरी, इसीलिए H जो है वो इसका ज्यादा एसिडिक है, और पिरिडिन क्योंकि यह बेस है तो किसका निकालेगा, प्राइमरी वाले OH को डीप्रोटोनेट करेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, O माइनस, ठीक है, बेस है, उसने H प्लस निकाल लिया। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जो Cl है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस गया, जो TS प्लस मिलेगा ना हमें यहाँ पर, वो अटैक करेगा इसके ऊपर, हमें क्या मिल जाएगा फाइनल, OTS। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OTS खुद भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां से निकलेगा, जैसे यहां जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, CH2 प्लस, इसको CH2 लिखो, यहां पर लगाओ प्लस। अभी क्या है, ये वाला प्लस जो है हमें क्या करना है, यहां पर पहुंचाना है ताकि इसको स्टेबलाइज करे। कैसे करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, यहां पर लगाते हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, क्या करेंगे सर, प्लस आएगा, ये अपने लोन पेयर देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो यहां पे लगेगा ना ये ऐसे करके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन गई अभी, और ये आ गया आपका, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो लगे से बना लो, 7 मेंबर जिसको दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ अभी ठीक है, ऐसे है CH2 ये। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। इस वाले केस में हमने देखा, जो ये वाला हमारा ये वाला रिएक्टेंट जो हमें गिवन है, अगर हम इसमें एसिड लगाते हैं, H प्लस डालते हैं, तो ये वाला निकलेगा हमारा OH। अगर मैं इसमें TSCl डाल के पिरिडिन डाल देती हूँ तो क्या होगा, हमारा ये वाला ग्रुप निकलेगा। अच्छा एक और बात थी कि जैसे हमारा OTS बना था, OTS जो हमें मिला था वो खुद से नहीं निकलेगा, उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें हल्का सा बेसिक मीडियम चाहिए होता, तो क्या करते हैं CaCO3 करके क्या करता है, ये इसको डाल देता है, निकाल देता है OTS को, तो इस तरह से हमें ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना था हमें पिनाकोल रीअरेंजमेंट में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।